नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 Pro वर्सेस IQ Z6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M4 Pro में 6.29 इंच जबकि IQ Z6 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M4 Pro में 2.91 इंच जबकि IQ Z6 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Poco M4 Pro में 0.31 इंच जबकि IQ Z6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M4 Pro में 179.5 ग्राम्स जबकि IQ Z6 5G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Poco M4 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco M4 Pro में AMOLED जबकि IQ Z6 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M4 Pro में 6.43 इंचेस जबकि IQ Z6 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M4 Pro में 1080x2400 और IQ Z6 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M4 Pro में 84.64% जबकि IQ Z6 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M4 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि IQ Z6 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M4 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और IQ Z6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M4 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQ Z6 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M4 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और IQ Z6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M4 Pro में Mali G57 MC2 जबकि IQ Z6 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 और IQ Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि IQ Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि IQ Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M4 Pro में Android V11 जबकि IQ Z6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
पोको M4 Pro में 3 कलर्स जबकि IQ Z6 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें IQ Z6 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको M4 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQ Z6 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में IQ Z6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Realme 9 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Power 2 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।